नमस्कार, अभी अगेन हम अपनी स्वस्थ भारत निर्माण में जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगेन फ्रोजन शोल्डर, आपको पता ही है कि फ्रोजन शोल्डर तो एक आम बीमारी है। ऐसे करके रात को सो जाएंगे तो भी फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, ऐसे करवट के लेके सो जाएंगे तो भी फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। आप कहीं भी चोट आपको लग जाएगी, आप ऐसे गिरते हैं और ये गंदा ठुक जाता है, इसके अंदर के जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो मोटे हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी, तो जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, तो भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है वो, ऐसा ही। और कई सारे क्रियाएं फ्रोजन शोल्डर की हैं। डायबिटीज वाले को तो बहुत जल्दी फ्रोजन शोल्डर होता है। फ्रोजन शोल्डर को हम कैसे ठीक करेंगे अपने आप, वो वाली एक्सरसाइज अभी आप देखिए। दूसरा, किसी भी प्रकार को आपको फ्रोजन शोल्डर है और आप ठीक नहीं कर पा रहे, बहुत तीखा दर्द होता है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया था लेकिन हमने उनको ठीक किया है। ठीक वो तभी हो जब उन्होंने हमारा साथ दिया है और बहुत जबरदस्त तरीके से साथ में उन्होंने मेहनत की है। और ध्यान रहे, आप जहां भी ट्रीटमेंट्स के लिए जाए तो ये सोच के ना जाए कि आप जादू की तरह एक दिन में ठीक हो जाएंगे, प्लीज। टाइम लगता है क्योंकि बीमारी धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी बीमारी धीरे धीरे को छोटी करने में टाइम, ठीक है। हम आते हैं फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। क्यों होता है फ्रोजन शोल्डर, वो तो कारण पता ही है। अभी हमने उसको ठीक करना है, उसकी स्ट्रेचिंग सीखनी है, उसकी एक्सरसाइज सीखनी है। उसके अलावा हम न्यूरोथेरेपी से उस पार्ट की इंटरनल स्वेलिंग को खत्म करते हैं, स्पेस को बनाते हैं वैसे का वैसे ही, तो वो फ्रोजन शोल्डर परमानेंट ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार का आपको फ्रोजन शोल्डर, आप तुरंत हमारे पास आ जाए, कैसा भी दर्द है, पूरे भारत के अंदर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, आप तत्काल हमारे पास आ जाइए। हम उसमें क्या का महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, दो चीजें, पहला एक्सरसाइज, दूसरा हमारा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट। हम दोनों को अलाउ करते हैं, उसके ऊपर दोनों ही चीज उसको तत्काल आराम देती है और वो धीरे 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 100% ठीक हो जाता है, ठीक है। देखिए, आप अभी देखिए, मैं फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज, ठीक है। हम कैसे देंगे, फ्रोजन शोल्डर के लिए पेशेंट को सबसे पहले सीधा बैठाइए, क्योंकि उसके हाथ में मूवमेंट कितना है सबसे पहले ये चेक करना है। इसके लिए हमें उसके रिस्ट के पास से पकड़ना होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना होता है जहाँ तक पेशेंट को पेन नहीं, पेन को जांचे बिना उसके हाथ की स्टिफनेस को अगर आप कम करने की कोशिश करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा उसको एकदम धीरे धीरे और नीचे की तरफ खींच के करना है। स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज सिर्फ 8 से 10 बार ही देनी है किसी भी पेशेंट के लिए। इसके बाद पेशेंट का हाथ बाहर की तरफ खोलना है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में फ्रंट मूवमेंट तो आ जाता है इजीली, बट साइड मूवमेंट नहीं आता है। तो इसके लिए शोल्डर पे दूसरे हाथ का प्रेशर देते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे जहाँ तक पेन ना हो। फिर उसके बाद धीरे से नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर से उठाएंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी 8 से 10 बार ही स्टार्टिंग में यूज़ करना है। जैसे जैसे स्टिफनेस कम होती जाएगी हम एक्सरसाइज का रोटेशन बढ़ाते चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, दीवार पे कहीं पे भी कोई मार्क कर दीजिए, ये हाथ आपको धीरे धीरे करके उंगलियों के सहारे से ऊपर की तरफ ले जाना है जहाँ तक आप ले जा सकते हैं, और वापस उसी सीक्वेंस में धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आइए। ये एक्सरसाइज 5 से 6 बार स्टार्टिंग में लेना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना है, बैंड हो जाइए और हाथों को एकदम फ्री मूवमेंट देना है, एकदम फ्री जहां तक वो इजीली मूव कर सकता है।
आठ से दस बार के रोटेशन में स्टार्टिंग में देना है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप आता है सर, यहाँ पे आपको अपना ये नेक्स्ट स्टेप में आप बेड पे या चेयर पे अपना हाथ रखकर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, हाथ को आगे खिसकाते हैं, हाथ को धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकाते हैं, फिर इसी प्रोसेस में धीरे धीरे वापस आएंगे। ये एक्सरसाइज भी 8 से 10 बार होती है। जैसे जैसे आपकी स्टिफनेस कम होती जाएगी आपका हाथ ऊपर की तरफ उठने लगेगा और पेन कम हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रहे बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, ताली जरूर मारें, एक आगे भी जितना आप ऐसे सीधे, कुछ सीधे तो जाएंगे नहीं, ऊपर दिखाइए, ऐसे सीधे नहीं जाएंगे हम, ठीक है? तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐसे आगे तो जाएंगे जितना ऊपर जा सकते हैं, इतना ऊपर जा सकते हैं, इतना ऊपर जा सकते हैं, इतना ऊपर जा सकते हैं, तीनों तो प्रकार की ताली मारेंगे, एक दो और इतनी, इसमें तो देखो जा नहीं सकता इंसान, लेकिन इसमें कोशिश करेंगे कि टच करें ऐसे, ठीक है? ऐसे टच करें, फिर जिस भी हाथ में फ्रोजन शोल्डर है उसको पकड़ के इधर ऐसे, इसके अलावा अपोजिट जरूर ऐसे खींचे, अगर इस वाले में है तो ऐसे, इस वाले में है तो ऐसे, ठीक है? उसके अलावा एक और एक्सरसाइज करके किसी भी व्यक्ति से आप आइए वो करा सकते हैं, ठीक है? कुछ नहीं करना, जिस भी हाथ में आपको फ्रोजन शोल्डर है, सपोज माना इसमें है, इस हाथ को इस स्थिति में रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, इनको बोलिएगा अपना, वो उस व्यक्ति को बेड पर बैठा लेंगे, चेयर पर बैठा लेंगे, कहीं भी अच्छे सोफे पर बैठा लेंगे और इस मूवमेंट को ऐसे रखेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे कि इस हाथ से ना खींचे, कंधे से हमने ऐसे पकड़ लिया, उसको बोलेंगे कि आप पूरा हाथ खींचिए अपनी तरफ, खींचिए ऐसे, वो पूरा हाथ खींचेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा आपको, इस कंधे की इस जोड़ में प्रेशर पड़ेगा और वो स्ट्रेचिंग जो है धीरे धीरे उसकी स्टिफनेस को खत्म करेगी, स्वेलिंग को खत्म करेगी, स्ट्रेचिंग जरूर करें। और इसके अलावा फिर भी आपका हाथ ठीक नहीं होगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, ध्यान रहे पेशेंट्स को आप अपने आप भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को उतना ही कंफर्टेबली करें, प्रॉब्लम ना, ज़्यादा नहीं देना, कम भी नहीं देना, एक मीडियम, सामने वाले को तंदुरुस्त तरीके से सारी चीज़ें कर पाएं। किसी भी प्रकार की आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, कहीं भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, एक्सरसाइज और न्यूरोथेरेपी हम उसको उससे खत्म कर देते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे लोगों का फ्रोजन शोल्डर से सर्जरी होते थे बचाई है, बहुत सारे लोगों की, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं और खासकर तो पता है कि फ्रोजन शोल्डर महिलाओं में ज़्यादा होती है, हमारे पास जितने केस हैं उनमें महिलाएं ज़्यादा है, महिलाएं हमारे पास ज़्यादा आती हैं उनमें, क्योंकि उनकी काम की क्रिया ऐसी होती है। किसी भी प्रकार का फ्रोजन शोल्डर है आप तुरंत हमारे पास चले आए बिना समय गंवाए, क्योंकि शरीर आपका है, उसको मेंटेनेंस देनी है, उसको ठीक रखना है, भगवान की अति सुंदर रचनाओं को काटपीट नहीं कराना, कहीं से बिल्कुल नहीं कराना। और आप जानते हैं ज़्यादा पेन किलर खाएंगे तो किडनी फेल होने निश्चित, ऐसे बनना ही निश्चित, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होनी, बहुत सारी साइड इफेक्ट आपको होंगे, तो इसीलिए आप एक नेचुरल के लिए, हमारी जो पद्धति बिल्कुल नेचुरल, कोई मशीन नहीं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी बाहरी वस्तु हम यूज ही नहीं करते, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कोई कुछ नहीं बाहरी, हम नेचुरल तरीके से आपको 100% ओके करते हैं, कैसा भी प्रॉब्लम छोड़ो, ठीक है? नमस्कार।